I am the greatest person ever born on this planet. I am the greatest person ever born on this planet. I am the greatest person ever born on this planet. Feel करो, आँख बंद करना चाहते हो बंद कर लो, feel करो, ये कोई छोटी चीज नहीं हो रही है। अगर ये अंदर तक चली गई तो क्या होगा आपकी लाइफ में, आप खुद नहीं सोच सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते क्या होगा। फील करके, ठीक है ना, मैं पूरा फील करके बोलूंगा, आपको मेरे साथ साथ में फील करके बोलना है, इसको फील करना इंपॉर्टेंट है। आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। I am the greatest person, ever born on this planet. I am the greatest person, ever born on this planet. I am the greatest person, ever born on this planet. I am the greatest. ये अपने अंदर लेकर के आ जाओ। दुनिया से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को खुद ये देखना है कि मैं खुद अपनी नजर में क्या हूं। और जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर खुद आप अपनी नजर में ग्रेटेस्ट बन गए तो आपके जो एक्शंस होंगे, आप जिस तरह से बोल रहे होंगे, आपके साथ में जो लोग होंगे उनको कुछ अलग ही नजर आएगा आपके अंदर। यू विल बिकम लाइक अ मैग्नेट। ऐसे लोग मैग्नेट्स होते हैं क्योंकि उनमें एक कमाल की एनर्जी उनके अंदर से निकल रही होती है। सबको एनर्जी अच्छी लगती है। किसी को डल लोग, थके हुए लोग अच्छे लगते हैं क्या? बैठे अपनी लाइफ के दुखड़े रो रहे हैं, खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको भी फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं? या वो लोग जो चार्ज्ड अप है पूरी तरह से? तो चार्ज्ड अप कैसे होते हैं, अंदर से इंस्पायर्ड कैसे होते हैं, हमारे अंदर से एनर्जी कैसे निकलती है, रेडिएट कैसे करती है एनर्जी, कैसे हम ऐसे बन जाते हैं कि लोग हमारी तरफ खींचे चले आते हैं, कि अगर आप बिजनेस करोगे तो जो लोग आपके साथ जुड़े वो आपको छोड़ेंगे ही नहीं। आप कहोगे छोड़ दो भैया छोड़ दो, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे हो जाओगे। ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपको सोच करके अपने साथ में लोगों को जोड़ना होगा, क्योंकि आपको अंदर तक ये पता होगा कि जो मेरे साथ एक बार जुड़ा वो कहीं नहीं जाने वाला। समझ रहे हो इस बात की डेप्थ को? पकड़ पा रहे हो जो बात मैं बोल रहा हूं? अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा हूं। कि मतलब आप ऐसे बन सकते हो, और इस सब की शुरुआत कहां से होगी, ऐसे बनने की शुरुआत कहां से होगी? आप बनना चाहते हो ऐसे या नहीं बनना चाहते, पहला तो सवाल ये है। Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. तो कैसे बनोगे? आप खुद को जिस नजर से देखते होगे वैसी ही एनर्जी आपके अंदर से निकल रही होगी। बड़ा सिंपल है। मैं अपने काम को अच्छे से करता हूं, किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं करता, अपने काम का मैं मास्टर हूं, अपने काम को मैं उस लेवल तक लेकर के जाने वाला हूं जिस लेवल तक आज से पहले कोई लेकर के गया नहीं है, और बल्कि उस लेवल तक ले जाऊंगा कि आने वाले टाइम में भी अगर कोई ले जाना चाहता है उस काम को उस लेवल पे, उसको भी बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। कुछ इतना कमाल का कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आई एम द ग्रेटेस्ट। अगर ये चीज अंदर तक बैठ गई, आपकी आंखों में ये चीज नजर आने लग गई, आपके एक्शंस में ये चीज धीरे धीरे उतरने लग गई, लोगों को दिखने लग गया, तो रास्ते अपने आप खुलेंगे, आपके पेरेंट्स आपके साथ में खड़े होंगे। डर आ ही नहीं सकता, बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट। मैं एक्चुअल में जो सोचता हूं ना अपने बारे में, मैं बोल नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि आप लोग डर जाओगे। मैं इस दुनिया को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। नहीं, मैं अपने बारे में जो सोचता हूं अगर वो मैं आप लोगों को बोलूंगा तो आप कहोगे बंदा बहुत ईगोइस्टिक है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, लेकिन बहुत रिफाइन करके कर रहा हूं, बहुत कम लेवल पे ले जा करके आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। एक्चुअल में मैं क्या था और क्या हूं वो मैं आपको बता नहीं सकता। लोग कहेंगे कि यार ये तो बंदा ईगोइस्टिक है। ईगो नहीं है, इट्स नॉट ईगो, दिस इज कॉन्फिडेंस। मतलब मैं बोलता नहीं हूं आई एम द ग्रेटेस्ट, आई नो आई एम द ग्रेटेस्ट, इट इज अ डिफरेंस। आई एम द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट, ये मैं बोल नहीं रहा हूं, मुझे पता है कि मैं हूं। लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं आपसे बड़े एंटरप्रेन्योर बात है, तेल लेने जाओ। तुम क्या सोचते हो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है?
मिलेनियल एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या है कि एक काम को ऐसे काम को किया जाए जिस काम को करने में आपको मजा आता है, सिर्फ पैसा नहीं मिलता है वहां से, और उस काम से मुझे क्या मिले, टाइम मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदरवाइज व्हाई इज एंटरप्रेन्योरशिप, नहीं तो मैं नौकरी करता ना। टाइम मिले उतना टाइम जितना मैं चाहता हूं, पैसा मिले उतना जितना मैं चाहता हूं, फ्रीडम मिले पूरी, जो मैं करना चाहता हूं वो कर सकूं, कोई आकर के मुझे बोल ना सके कि ऐसे करो वैसे करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? सेटिस्फैक्शन। आई मस्ट बी 100% सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम डूइंग एंड आई नो आई एम द बेस्ट एट इट। कोई ईगो नहीं है, आई नो दैट, इट्स अ फैक्ट, आई नो माई सेल्फ, ठीक है ना। ऐसे होता है, ऐसे ही जब लाइफ में वो जो मैं आपको अपना एग्जाम्पल बता रहा था, जब वो मेरे फादर ने मुझे जब बोला, उन्होंने साफ मना कर लिया, तो मैंने कुछ नहीं, मैं आराम से जाकर के उनके पास में बैठ गया और मेरी आंखों में नजर आ रहा था, आप देखो मैं क्या करता हूँ, आराम से देखो। और सच बताऊं, बिल्कुल सच, 0% डर था मेरे अंदर। डर क्या है मुझे पता ही नहीं है, आज भी नहीं पता है, तब भी नहीं पता, क्यों? क्योंकि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, भाई मैं क्या करूं, मैं हूं, मेरी क्या गलती है इसमें, अगर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं तो हूं, अब मैं क्या करूं? इसको आप ईगो बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मुझे पता है मैं क्या हूं अंदर से, समझ रहे हो? तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच। लाइक करिए अगर आपको ये प्रिंसिपल्स काम के लगे, अपने व्यूज और ओपिनियन कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को सबके साथ, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को इस चैनल के बारे में बताएं। मैं और ऐसी ही काम की बातें आपके साथ शेयर करूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।